हेलो रिजुन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय फिनय सर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंटेक्स क्वेश्चन 5। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स में बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो इनको किस तरह से आपको बोर्ड के पेपर में रिप्रेजेंट करना है वो आपको समझना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया, ये VBT थ्योरी पे बेस्ड है। ये जो क्वेश्चन है VBT थ्योरी पे बेस्ड है, बोर्ड में VBT थ्योरी पे क्वेश्चन 4 मार्क्स में बनते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखना है। क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दैट, आपको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है आयंस विद स्क्वायर प्लेनर, आपको प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है एंड डायमैग्नेटिक नेचर होता है। एंड दूसरा आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है और उसको प्रूफ करना है कि भाई ये टेट्राहेड्रल है एंड ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है। ओके, दोनों में जो सेंट्रल एटम है, ध्यान से देखिए, तो दोनों में सेंट्रल एटम निकल है। सबसे पहले यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है Ni निकल है और निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी सेंट्रल एटम दिया हो उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने 3D सीरीज पढ़ा होगा, ऑर्गन हुआ, उसके बाद आता है 3D, उसके बाद आता है 4s। ठीक है, तो 28 इलेक्ट्रॉन को इसमें फिल करना है। तो अब वाउ रूल के अकॉर्डिंग 4s की एनर्जी कम है, तो 18 तक तो ऑर्गन तक भर लिया, 18 के बाद दो इसमें आएगा 20 और टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। ओके, तो ये निकल का न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम बात करेंगे इसमें जो कॉम्प्लेक्स में इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है Ni और इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2। ठीक है, एटॉमिक नंबर तो चेंज होने वाला है नहीं, वो 28 ही रहने वाला है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दीजिए। अपन में क्वेश्चन आएगा कि Ni पे +2 कैसे लिखा, तो आप इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। जैसे मैं साइड में दिखा दे रहा हूँ, Ni CN4 और इसके ऊपर कितना -2 चार्ज। तो आपने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा होगा 11th क्लास में, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, निकल का निकालना x मान लिया, CN जो होता है एक निगेटिव लिगेंड्स होता है, इस पर -1 चार्ज होता है, तो 4 है तो 4 माइनस और इक्वल टू जो पावर है इक्वल टू रख देंगे, तो यहाँ से आ रहा है +2। तो निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में आएगा, Cl पे भी -1 होता है तो इसका भी +2 आएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की प्राइमरी वैलेंसी कितना हुआ, 2, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। ओके, तो हमें यही ये मैंने लिखा है Ni पे +2 चार्ज। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, ऑर्गन, और जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज होगा वो पहले s से जाएगा क्योंकि ये आउटर ऑर्बिट है। तो इसका क्या बनेगा, 3D में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा और 4s में आ जाएगा 0 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है 4 मार्क्स के क्वेश्चन में। ठीक है, एलिमेंट का सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन न्यूट्रल स्टेट में और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आपको लिखना है। ओके, तो चलिए दोनों कंपाउंड को अलग अलग आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो फर्स्ट दिया है Ni CN4, इसके ऊपर कितना -2 चार्ज है, हमें प्रूव करना है कि ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है और प्लस इसके साथ साथ ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर बहुत है, यही आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो चल देखते हैं। अब यहाँ पर हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था न्यूट्रल और ऑक्सीडेशन स्टेट, इसी से आप डायग्राम बनाएंगे, ऑर्बिटल डायग्राम। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है न्यूट्रल एटम निकल, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाएंगे तो ऑर्गन है, इसको आप ऐसे लिख दीजिए। अब डी सबसेल में टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, थोड़ा बहुत आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। डी में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ 3D, यहाँ हमने इसी को देख के बना रहे हैं, यहाँ 3D आप लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर है 4s, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 4s, उसके बाद यहाँ पर आएगा 4p, 4p नहीं है फिर भी आपको बना लेना है, पी में टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, इसी तरह से
आपके पास जो Ni+2 है उसका भी आप ऑर्बिटल डायग्राम बना लेंगे। इसमें भी ऑर्गन है, ठीक है, और इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट पहले ऐसे बना दीजिए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को फिलअप करिए। इसमें भी सेम टू सेम यही आप ऑर्बिटल का शेप बनाएंगे, सेम टू सेम। इसमें टोटल कितने हैं, 5 ऑर्बिटल्स हैं। पी में टोटल कितने हैं, 3 ऑर्बिटल। अब आपको क्या करना है कि जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन न्यूट्रल स्टेट में किया हुआ है और ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें इलेक्ट्रॉन को फिलअप करिए। तो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 8। तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरिए पहले हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग, और उसके बाद फिर से पेयरिंग करेंगे तो 5, 6, 7 और 8। उसके बाद 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और 4p जो है एम्प्टी ऑर्बिटल, इसको रहने दीजिए। अब Ni+2 की बात करें तो d में तो 8 इलेक्ट्रॉन है, पर s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। तो इसमें भी सेम टू सेम ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे ही, और इसमें आ जाएगा 0 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी आप नाम लिख दीजिए, ये है 3D, ये 4s एंड ये है 4p। यहाँ तक क्लियर है? हमने जो ऊपर किया था उसी का देख के ऑर्बिटल डायग्राम बनाया। अब हमें क्वेश्चन में इस कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री और मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ रहा था। अब आएगा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड NiCN कितना है, 4, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, -2। ओके, अब इसका जब बनाएंगे तो इसमें भी जो ऑर्बिटल बनाएंगे तो सेम बनेगा, ठीक है। जैसे आपने 4D में 5 बनाया, 4s में टोटल कितने बनाए आपने, 3 बनाए, तो इसमें भी आपने वही चीज़ बनाओगे। अब यहाँ से देखिए, ये है 3D, ये है 4s और ये है 4p। ओके, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि अगर जो लिगेंड्स प्रेजेंट है, CN जैसे है इसमें लिगेंड, अगर लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो CN आपको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में 3D ऑर्बिटल का क्या होता है, पेयरिंग होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में देखिए CO आता है, CN आता है, EN आता है और NH3, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। इनके प्रेजेंस में ऑर्बिटल का क्या होगा, पेयरिंग होगा। तो हमें पेयरिंग कहाँ पर दिखाना है, देखिए यहाँ पर आप पहले एक लाइन लिखना होगा इनके बीच में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कौन है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, CN-, पेयरिंग ऑफ 3D ऑर्बिटल, ठीक है, अकर। ऐसे आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा इनके बीच में। अब यहाँ पर आप पेयरिंग दिखाइए, देखिए जब इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो ये इधर ये वाली पेयर है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन इधर से खाली करेंगे इसमें आ जाएगा, ये ऑलरेडी पेयर्ड है 3 ऑर्बिटल, ये वाला पेयर होके यहाँ पर आएगा और इसी को आपको फिलअप कर देना है। तो देखिए यहाँ पर इसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन और ये वाला भी पेयर्ड हो जाएगा और ये वाला ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, CN कितने हैं, टोटल 4, तो 4 खाली ऑर्बिटल चाहिए। तो CN एक यहाँ से ऑर्बिटल यूज करेगा CN, ठीक है, इसके अलावा ये CN एक ऑर्बिटल यूज किया, इसको क्रॉस से दिखा दिया, एक CN खाली ऑर्बिटल ये यूज करेगा और एक यहाँ पर यूज करेगा और एक यहाँ पर यूज करेगा, क्योंकि 4 ही ये यूनिडेंटेड लिगेंड हो तो 4 ही इनके लिए खाली ऑर्बिटल चाहिए, तो 4 ऑर्बिटल यूज किया। अब सारा क्वेश्चन के आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाला है, डी का देखिए एक यूज हुआ है ऑर्बिटल, एस का भी एक यूज है और पी के टोटल 2, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, DSP2। और इसके शेप का नाम क्या होगा, शेप का नाम होगा स्क्वायर प्लेनर, जो आपसे पूछ रहा है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ओके। और अगर मैग्नेटिक बिहेवियर की बात की जाए, ठीक है, मैग्नेटिक नेचर, तो इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखिए सारे ऑर्बिटल्स पेयर्ड हैं चारों के चारों, तो ये क्या होगा,
डाया मैग्नेटिक नेचर होगा ड्यू टू पेयर्ड ऑर्बिटल, पेयर्ड 3D ऑर्बिटल। आपको कॉम्प्लेक्स पूछा तो यहाँ पर फाइनली देखना है, तो ये प्रूफ हो गया डायमैग्नेटिक। अगर आपसे पूछ ले कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट एन एन प्लस टू। तो यहाँ पर देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आया, जीरो, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आया, जीरो आया। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगा वो जीरो बोर मैग्नेट्रॉन होगा। तो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट होगा, ओके। और इसी तरह से आपको दूसरा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उसका भी देखना है, तो उसमें भी ऐसे ही ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। तो उसमें भी देखिए सेंट्रल एटम निकल है, तो निकल का जब बनाएंगे तो यहाँ से ऑर्गन, और उसके बाद एन आई प्लस टू का बनाना है सेम उसी तरह से, और फाइनली जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है एन आई सी एल फोर और माइनस टू चार्ज, ठीक है, ऑर्गन इन तीनों में ऐसे ही आएगा, ठीक है। और इसमें आप क्या करेंगे, पहले वैसे ही ऑर्बिटल आप बना लेंगे जैसे आपने इससे पहले बनाया था, तो 3D आएगा, ठीक है, उसके बाद 4s आएगा। ये आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो फटाफट ये बन जाएगा। p में तीन होते हैं, d में टोटल फाइव होते हैं, इसी तरह के तीन आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, ठीक है, इसमें पांच है, उसके बाद 4s, उसके बाद यहाँ से आएगा 4p, और इसी तरह से इसमें भी आप बनाएंगे, पांच हो गए, उसके बाद 4s आएगा, उसके बाद 4p आएगा, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरी जैसे उसमें आपने भरा था, तो डी में उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन थे, एट, तो इसमें भी सेम टू सेम एट इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि वो चीज़ सेम है, और इसमें दो इलेक्ट्रॉन, और एन आई प्लस टू इसमें भी है, तो इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन एस से जाएगा, तो ये वाला तो सेम ही रहेगा। तो ये है 3D, ये है 4s, ये है 4p, सेम यहाँ पर ये 3D 4s 4p, ये भी 3D 4s 4p, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब यहाँ पर आएगा आप लिगेंड्स का रोल, तो लिगेंड्स आप देखिए Cl है, और Cl जो होता है एक वीक लिगेंड होता है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा BBT में, और स्ट्रॉन्ग अगर वीक लिगेंड है तो उसके प्रेजेंस में पेयरिंग नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे ड्यू टू वीक लिगेंड, ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है, वीक लिगेंड Cl माइनस पेयरिंग ऑफ 3D ऑर्बिटल नॉट अकर, ठीक है। अब जब पेयरिंग नहीं होगा तो 3D में जो इलेक्ट्रॉन जैसे हैं वो तो वैसे ही रहने वाले हैं क्योंकि इसमें पेयरिंग नहीं हुआ, तो हमें क्लोरीन चार है तो चार खाली ऑर्बिटल्स चाहिए। तो चार खाली ऑर्बिटल्स कहाँ से यूज करेगा, देखिए एक तो ये एस का यूज करेगा और बाकी पी के तीनों ऑर्बिटल यूज करेंगे, तो एक यहाँ से कोऑर्डिनेट Cl बनाएगा, एक यहाँ से बनाएगा, एक यहाँ से बनाएगा और एक यहाँ से, ठीक है। तो ये इतना हो गया, तो बाकी आप क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। अगर बात की जाए इनके हाइब्रिडाइजेशन की, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है, तो S का एक यूज हुआ, P का कितना, तीन, तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होगा, और sp3 आया दैट मीन्स इसका शेप का नाम क्या होगा, टेट्रा हेड्रल, ठीक है। मैग्नेटिक बिहेवियर होने वाला है, देखिए यहाँ पर जो है दो अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो ये होगा पैरामैग्नेटिक क्यों होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, रीजन भी लिख दीजिए, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड ऑर्बिटल, ठीक है। और अनपेयर्ड और मैग्नेटिक मोमेंट जब निकालेंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो, क्योंकि देखिए यहाँ पर यही है अनपेयर्ड ऑर्बिटल, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो टू टू प्लस टू और ये अंडर रूट में आएगा, और इसका जब निकालेंगे एन की वैल्यू कितना है, टू, तो कितना हो जाएगा रूट एट में, और इसकी वैल्यू 2.2 आ जाएगा, ठीक है।
अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रक्चर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कैसे बनाएंगे, एन आई सेंट्रल एटम है और चार जो क्लोरीन है इस तरह से अटैच्ड होंगे, ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में माइनस टू चार्ज दिया तो ये इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गया। ये जो मैंने बनाया ज्योमेट्री बनाया, इसी तरह से इससे पहले वाले में भी आप इसका ज्योमेट्री बना सकते थे। बना के मैं दिखा दे रहा हूँ इसका ज्योमेट्री क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कुछ इस तरह से होता है ना। सेंट्रल एटम को निकल को यहाँ रख दिया, चार सी एन है तो चार कॉर्नर्स पे सी एन आ जाएगा, ठीक है, 4 मार्क्स क्वेश्चन। और इसके ऊपर कितना, माइनस टू चार्ज। ये आपका पूरा पैटर्न है किस तरह से आपको बोर्ड में क्वेश्चन लिखना है। तो आप इन क्वेश्चन को पहले मैं जैसे बता रहा हूँ पूरा नोटबुक में लिख लीजिए, फिर इसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि आपको 4 मार्क्स में वीवीटी थ्योरी पे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा। ये आपका एनटेक्स का 5.5 से 5.10 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर 4 मार्क में गुजरात बोर्ड में यही क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, एक्सरसाइज में भी 1-2 क्वेश्चन है। तो हम हर एक क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करेंगे कि आपको बोर्ड में किस तरह से लिखना है। एनटेक्स क्वेश्चन 5.6, और इससे पहले हमने 5.5 किया था जो कि 4 नंबर क्वेश्चन था, तो ये भी जो एनटेक्स क्वेश्चन है ये भी 4 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को आपको बोर्ड में किस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले दोनों कंपाउंड देखिए, सेंट्रल एटम सेम है और NiCl4-2 इसको प्रूफ करना है पैरामैग्नेटिक है, एंड NiCO4 जो है वो डायमैग्नेटिक है, और दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ओके। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इसको किस तरह से क्वेश्चन को लिखना है। तो सेंट्रल एटम जैसे हमने 5 वाला क्वेश्चन किया था, सेम प्रोसेस इसका भी वही होगा। तो सेंट्रल एटम यहाँ पर है Ni और इसका एटॉमिक नंबर होता है 28। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ऑर्गन आएगा, उसके बाद यहाँ से आप लोगों को 3D 4s, तो 28-18 तक हो गया ऑर्गन तक, फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से Ni की अगर हम बात करें तो देखो NiCl4 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है वो है ऑर्गन, और 3D में 8 इलेक्ट्रॉन और 4s में हो जाएगा 0। बट जो NiCO4 दिया है उसमें Ni का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला है वो सेम टू सेम रहेगा, मतलब 3D में 8 इलेक्ट्रॉन और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये मैंने एक न्यूट्रल स्टेट में और बाकी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया उसमें सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब यहाँ पर हम दोनों का अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो कंपाउंड NiCl4 दिया है उसके बारे में, और इस पर -2 चार्ज दिया है, ठीक है, पहले हम इसका डिस्कस करते हैं। और इसमें सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट बनाएंगे जैसा हमने पहले बनाया था। तो Ni जो है इसका अगर करेंगे तो ऑर्गन आएगा, और 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, एंड 4s में, और D में आपने पढ़ा है कि D में टोटल D सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 5 ऑर्बिटल, उसके बाद आपका बनाओगे 4s और उसके बाद आप बनाओगे 4p और P सबसेल में 3 ऑर्बिटल, तो ये हो गया 4s और ये है 3D और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, पहले आप 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद आप पेयरिंग करोगे, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें 7वां और इसमें 8वां, तो पेयर्ड हो गया, और एस में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। अब यहाँ पर Ni+2 का आप डायग्राम बनाइए, तो ऑर्गन, और इसमें आप क्या करेंगे, इसमें भी सेम डी सबसेल है, इसमें टोटल 5 ऑर्बिटल्स हैं, और उसके बाद 4s आएगा, उसके बाद आएगा 4p, तो यहाँ पर भी आप रिविजन करिए, 4p है, ये है 4s और ये है 3d, ठीक है। तो यहाँ पर है ये 3d, अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन फिलअप करिए, तो Ni+2 है तो इसमें s में तो 0 इलेक्ट्रॉन है, d में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन जैसे ऊपर है वैसे ही इसमें भी रहने वाले हैं, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा।
अब यहाँ पर जो आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, और कॉम्प्लेक्स क्या लिखा है, NiCl4 और -2 चार्ज, इसका जब बनाएंगे तो ऑर्गन, ठीक है। और यहाँ पर भी पहले आप डी ऑर्बिटल आप बना लीजिए, इसमें टोटल 5 है, उसके बाद 4s, उसके बाद आएगा यहाँ पर 4p, तो यहाँ पर भी 4p है, ये 4s है और ये 3d है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए लिगेंड्स कैसा है, लिगेंड्स यहाँ पर वीक लिगेंड है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ लिखना होगा ड्यू टू वीक लिगेंड, ड्यू टू वीक लिगेंड्स ऑफ सीएल माइनस पेयरिंग ऑफ 3d और 3d ऑर्बिटल नॉट अकर, ये आपको लिखना पड़ेगा, ओके, कि वीक लिगेंड के कारण इसमें 3d ऑर्बिटल का पेयरिंग नहीं होगा। और जब पेयरिंग नहीं होगा तो जैसा आपका Ni+2 में इलेक्ट्रॉन फिलअप है सेम टू सेम वही रहने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्लोरीन टोटल कितने हैं, 4, तो 4 खाली ऑर्बिटल कौन कौन, एक तो एस का यूज करेगा और 3 ऑर्बिटल यहाँ पर पी का यूज करेगा, तो इसका जो एक क्लोरीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से बनाएगा, एक यहाँ से बनाएगा, एक यहाँ से बनाएगा और एक यहाँ से बनाएगा। तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या बना, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा एस का 1 और पी का 3, तो हाइब्रिडाइजेशन तो आया sp3, और हाइब्रिडाइजेशन जब sp3 मिला तो दैट मीन्स इसका जो शेप होने वाला है वो है टेट्राहेड्रल। और इसका अगर आप ज्योमेट्री ड्रॉ करें तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल कैसा होता है, सेंट्रल एटम को यहाँ रख दीजिए और दो जो बॉन्डेड एटम है, सॉरी क्लोरीन जो 4 बॉन्डेड एटम है वो कुछ इस तरह से होंगे और इनके ऊपर -2 चार्ज अब लगा दीजिए। बाकी अगर इसके मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो 2 2 + 2 फार्मूला आपने पढ़ा ही है मैग्नेटिक मोमेंट का, Nn+2 होता है, वेयर n जो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना आ जाएगा, रूट में 8 और रूट 8 में 2.8 कुछ इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, ठीक है। इतना आपका हुआ NiCl4 का। तो अब नेक्स्ट जो इसमें दिया है Ni, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कितना है, 4 है, ठीक है। अब इसका भी हम देख लेते हैं क्या चीज़ है, तो यहाँ पर सेंट्रल एटम Ni है, तो सेम कहानी यहाँ पर ऑर्गन और 3d, ठीक है, 3d यहाँ पर हमने बना लिया, उसके बाद 4s बनाइए, उसके बाद 4p बनाइए, ठीक है। प्रैक्टिस रहेगा तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद Ni पे तो 0 चार्ज है, सीधा से यहाँ से कॉम्प्लेक्स का आप लिखेंगे NiCO4, ठीक है, क्योंकि Ni पे तो 0 चार्ज है, आप वो अगर रिप्रेजेंट नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है 3d, ये है 4s, ये है 4p, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिया, ठीक है, और इसमें कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो लिगेंड्स है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो पहले मैं इसका भी डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल बना लेते हैं, यहाँ पर है 4s और यहाँ पर है 4p, तो ये है 3d, ये है 4s, ये है 4p, ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइन ये लिखना होगा कि CO जो होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो यहाँ आप लिखोगे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड CO पेयरिंग ऑफ 3d ऑर्बिटल्स अकर्स, ठीक है। तो 3d ऑर्बिटल का पेयरिंग कैसे करें, हम यहाँ राइट हैंड साइड से ऑर्बिटल को खाली करते हैं, तो ये जो s में 2 इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन एक तो यहाँ चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, तो अगर यहाँ पर आने से इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे दिखाएंगे आप, दो ये सारे जो डी ऑर्बिटल्स हैं सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पेयर, ठीक है। अभी तक तो क्या डी से हम खाली करें, बट यहाँ पर हमें पहले एस से खाली करना है, तो ये चला जाएगा इसमें डी वाले में, तो दोनों पेयर और ये दोनों ऑर्बिटल, एस का 1 ऑर्बिटल और पी का यहाँ पर 3 ऑर्बिटल यूज होगा। तो यहाँ से देखिए बॉन्ड कैसे बनाएंगे आप,
कार्बन मोनोऑक्साइड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से बनाएगा और पी के तीनों ऑर्बिटल ये यूज करेगा। ठीक है, इसका बात करें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा यहाँ पर sp3। शेप जो होगा सेम यहाँ पर टेट्राहेड्रल ही होने वाला है, यही आपको प्रूव करना था। अगर आप ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ज्योमेट्री ड्रॉ करना है तो ni सेंट्रल एटम है, चार जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कुछ इस तरह से आप रख देंगे। ठीक है, चार्ज तो है नहीं और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आने वाला है जीरो, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन जीरो, क्योंकि डी ऑर्बिटल सारे पेयर्ड है। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको लग रहा है बहुत लेंदी है, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन आप बना लेंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक क्वेश्चन को किस तरह से आपको बोर्ड में रिप्रेजेंट करना है पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, थैंक यू।